कंगना रनौत ने फैंस के साथ शेयर किए टूटे हुए ऑफिस के फोटोज। कहा, क्या ये मेरे सपनों का बलात्कार नहीं। बीएमसी ने 9 सितंबर के दिन कंगना रनौत का पाली हिल स्थित ऑफिस तोड़ दिया था। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत के ऊपर बीएमसी ने अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया था और उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया था। अदाकारा कंगना रनौत अपने साथ हुए ऐसे विभाग को भुला नहीं पा रही है और लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल रही है। गुरुवार के दिन भी अदाकारा ने अपने ट्विटर अकाउंट से टूटे हुए ऑफिस के फोटोज शेयर किए। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना ने कहा कि ये उनके सपनों का बलात्कार है। अदाकारा ने ट्वीट कर कहा, मेरे कर्म स्थान को शमशान बना दिया गया, न जाने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया गया। एक फिल्म यूनिट का 100 लोगों को रोजगार देती है, एक फिल्म रिलीज होकर थिएटर से लेकर पॉपकॉर्न बेचने वाले का घर चलाती है। हम सबसे रोजगार छीन के वो लोग आज #NationalUnemploymentDay17September मना रहे हैं। कंगना रनौत ने ट्विटर पर 3 ट्वीट और किए जिनमें उन्होंने लिखा, एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आह भी नहीं करते बस्तियां जलाने में। ये देखो क्या से क्या कर दिया मेरे घर को, क्या ये बलात्कार नहीं। जो कभी मंदिर था उसे कब्रिस्तान बना दिया, देखो मेरे सपनों को कैसे तोड़ा। ये बलात्कार नहीं, ये बलात्कार है। मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्मसम्मान का और मेरे भविष्य का। बताते चले कि बीएमसी ने 9 सितंबर के दिन कंगना रनौत का पाली हिल स्थित ऑफिस तोड़ दिया था। उस समय अदाकारा कंगना रनौत मुंबई में नहीं थी, तब तक बीएमसी ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ डाला था। कंगना रनौत बीएमसी के इसी कदम की लगातार आलोचना कर रही हैं। कूल में दुनिया के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।